बहू, अरे ओ सीता बहू, जरा अपने मायके फोन करके बोल दे, इस बार कोई उधर से आए तो वो 50,000 रुपया भी लेते आए, जो शादी के समय देने का वादा करके भूल गए थे। माँ जी, अभी इतनी बड़ी रकम पिताजी के पास नहीं है, घर की हालात पहले से भी और ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसे में उन्हें रुपयों के लिए बोलना मुझसे नहीं हो पाएगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो इन भिखारियों से अपना हक का पैसा मांगना पड़ रहा है मुझे। अरे देने की औकात नहीं थी तो झूठा वादा क्यों किया था। कथा के दो बेटे थे, राम और श्याम। बड़े बेटे राम की शादी सीता नाम की गरीब लड़की से हुई थी। सीता गरीब जरूर थी लेकिन व्यवहार और संस्कार से अमीर थी। परिवार का ख्याल रखना और सादगी संतोष से जीवन जीना उसे अच्छे से आता था, लेकिन कथा को अपनी गरीब बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इसीलिए उसने अपने छोटे बेटे श्याम का रिश्ता एक अमीर घर की लड़की गीता से किया। गीता ने घर में कदम रखते ही अपनी अमीरी का रौब झाड़ना शुरू कर दिया। जिठानी जी, आज मेरी ये सारी ड्राई क्लीन में दे देना, अभी नई है लेकिन पता नहीं कैसे इसमें दाग लग गया है। अरे देवरानी जी, इतनी सी दाग के लिए ड्राई क्लीन में देने की क्या जरूरत है, लाइए मैं अपने हाथों से धो देती हूँ। अरे अरे, अब तो सच में नौकरानी जैसी बातें कर रही है। ओ हाँ, आप गरीब घर से जो आई है, आखिर नौकरों वाले काम करने में ही आपको खुशी लगती होगी ना। खैर, मुझे ड्राई क्लीन पर जितना भरोसा है उतना आपके हाथों पर नहीं है। आप क्या जानो मेरे इस साड़ी का कीमत पूरे 50,000 की है। जितने की मेरी एक साड़ी है उतने में तो आपके पूरे मायके के लिए कपड़े आ जाते होंगे, है ना। देवरानी की ऐसी बात सुन सीता का मन बैठ जाता है। बची कुची कसर पूरी करने सास भी पीछे से आकर कहती है, अरे छोटी बहू, तू क्यों इस गवार से मुंह लगा रही है, इसे तो अपनी जिंदगी में ड्राई क्लीन का नाम भी पहली बार सुना होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी ड्राई क्लीन करवा के ले आती हूँ तेरी साड़ी, तू जाकर आराम कर। कथा आंखें दिखाते हुए अपने बड़े बहू से कहती है, अरे ओ मनहूस, किचन में मैंने सेव रखे हैं, जाकर उनका एप्पल शेक बना और मेरी छोटी बहू को दे दे। जी माँ जी। छोटी बहू मटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। सास पीछे पीछे उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे छोटी बहू, तू क्यों उस गवार के लिए अपना मूड खराब कर रही है, ये ले मेरी अलमारी की चाबी, तेरे जो मन करे, जो साड़ी और गहने पसंद आए ले लेना, आखिर जो मेरा है वो तो तेरा ही है। गीता चाबी लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने चाबी तो ले ली है लेकिन मधुर इन लॉ, आपकी सस्ती साड़ियाँ मेरे किसी काम के नहीं है। आप भी अपनी बड़ी बहू की तरह सस्ती और बेकार साड़ियाँ ही पहनती है, जैसे हमारे घर के कोई नौकर भी नहीं पहनते हैं। सास समझ जाती है अमीर बहू अपने साथ दहेज और घमंड दोनों लेकर आई है, लेकिन पैसों के लालच में चुप रहने में ही भलाई समझती है। खाने के टेबल पर, ये क्या है, रोज रोज आलू गोभी लौकी टिंडे और ये बोरिंग कद्दू ही बनाया जाता है क्या इस घर में, ऐसी सस्ती सब्जियां तो हमारे घर में नौकर लोग भी नहीं खाते हैं। हाँ देवरानी जी, इस घर में तो यही बनता है और ये पौष्टिक भोजन होता है, अगर आपको कुछ और खाना है तो अपने लिए बना लीजिए। जेठानी की बात सुनकर गीता के तन बदन में आग ही लग जाती है और वो तुनक कर कहती है, मैं क्यों खाना बनाऊंगी भला, जो काम मेरे दो कौड़ी के नौकर करती थी अब वो काम मैं करूंगी। अपना ये गरीबों वाला दिमाग और जुबान दोनों संभाल कर इस्तेमाल करना मेरे सामने, समझी जिठानी जी, वरना अच्छा नहीं होगा।
ये सब देख सीता का पति बोल पड़ता है, अरे ये किस तरह के संस्कार है तुम्हारे? अपनी दीदी समान जेठानी से कोई ऐसे बात करता है क्या? तू क्या गलत कहा मेरी बीवी ने? वो अमीर घर से आई है, एक दो बात बोल भी दी उसने तो क्या बुरा हो गया? आप और भाभी तो पीछे ही पड़ जाते हो उसके। दोनों भाई गुस्से में बिना खाना खाए ही उठकर चले जाते हैं। सास घर में कलेश होता देख बड़ी बहू से कहती है, मिल गई चैन, पर गई दिल में ठंडक। अरे अगर अपनी कैंची जैसी जुबान को थोड़ा लगाम लगा लेती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? अब खड़ी क्यों है, जा यहाँ से। छोटी बहू ऐसे अपना मन छोटा नहीं करते। तू एक काम कर, तू ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर ले और हम दोनों मिलकर तेरा मन पसंद अमीरों वाला खाना खाएंगे। वाओ, नाइस आइडिया ससुमा। गीता 5,000 का खाना ऑर्डर करती है। सास बहू दोनों मिलकर पिज्जा बर्गर जैसे चाइनीज खाने का आनंद लेते हैं और सीता बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करती है। दो दिन बाद, जिठानी जी आज मेरे मॉम डैड और मेरी सहेली शिप्रा मेरे ससुराल आ रहे हैं, तो खाने में प्लीज वो गरीबों वाले कुछ खाना मत बना देना। मैं जो लिस्ट बना कर दूंगी वही बनाना, ओके? अरे तो चिंता मत कर छोटी बहू, ये गरीब को तो बस बेकार के खाना बनाना ही आता है, तो ऑनलाइन कुछ क्यों ऑर्डर नहीं कर देती है? बाकी सब मैं देख लूंगी। पर माँ जी ऐसे रोज रोज बाहर के खाने खाने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मुझे चाइनीज खाना बनाना आता है, मैं कोशिश करके कुछ अच्छा बना ही लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इससे पैसा भी बच जाएगा और सेहत भी खराब नहीं होगा। जिठानी जी तो जब देखो पैसा बचाने की बात ही करती रहती है। सही कहा है किसी ने, बंदर को राजगद्दी पर बिठा दो तब भी वो उछलने की आदत नहीं जाती है। गरीबों का मेंटेलिटी बिल्कुल वैसा ही होता है, हर टाइम पैसा पैसा करते रहते हैं। तो कहाँ इस गवार की बात सुन रही है, खाना ऑर्डर कर, तब तक मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बड़ी बहू मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद गीता के मम्मी पापा और उसकी सहेली शिप्रा घर आते हैं। देवरानी जेठानी और सास मिलकर सबका स्वागत करते हैं। सीता नीचे झुककर गीता के मम्मी पापा के पैर छूती है और उनका आशीर्वाद लेती है। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। बड़ा अच्छा लगा आज के समय में ऐसा संस्कार देखकर। गीता बेटी कुछ सीखो अपनी जेठानी से। सीता की तारीफ होते देख गीता जल भुन जाती है। गीता सबको अंदर ले जाकर सबसे खूब बातें करती है। काफी देर होने पर, अरे तो क्या सिर्फ बातों से ही पेट भरवाएगी हमारा, कुछ खाना भी खिलाएगी कि नहीं? वो सासू जी ने ऑर्डर किया है और नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कब तक आएगी ये पता नहीं चल रहा है। मैं तो दूसरा ऑर्डर करती, क्या पता वो जल्दी आ जाए। लेकिन 15,000 का खाना ऑर्डर किया था मैंने, अब फिर से ऑर्डर करना पैसे की बर्बादी नहीं होगी क्या? अरे छोटी बहू, तू कब से पैसे के बारे में सोचने लगी? तेरे पास तो कुबेर का खजाना है ना, तू ज्यादा सोच मत, जल्दी से ऑर्डर कर दे। गीता तुरंत खाने का दूसरा ऑर्डर करती है, लेकिन वहां से भी खाना आने में समय लगता है। सीता हालात को समझते हुए रसोई में जाकर तुरंत पालक के पकोड़े और समोसे बना लेती है। अरे गीता बेटी, खाना ना सही एक गिलास पानी ही पिला दे, बड़ी प्यास लगी है। ओ माय मदर इन लॉ, आप ऐसे खड़े क्यों हैं? जल्दी से पानी लेकर आइए और अपनी उस गवार बहू को बोलिए पानी एकदम साफ होना चाहिए। अभी तो यही खड़ी थी, पता नहीं कहाँ मर गई वो। गीता बेटी, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? ये मेरी सास है, माँ नहीं, जो मैं इनका रिस्पेक्ट करूँ। और वैसे भी ये मेरे ही पैसे पर पल रही है,
ये साड़ी जो इन्होंने पहना है सब मेरी है, और ये जो खाना ये ठूस ठूस कर खाती है वो भी मेरे पैसों की ही खाती है, और इनके पैर में जो चप्पल है ना वो भी मेरा ही है। सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख कथा का तो सर शर्म से झुक जाता है। आज उसे खुद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे अपनी संस्कारी बहू को हमेशा नीचा दिखाया, और जिस बहू को सर पर बैठा कर रखा उसी ने उसकी बेइज्जती कर दी। सास चुपचाप रसोई में जाकर बहू सीता से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? मुझे माफ कर दे सीता बेटी, मैं अमीर गरीब में भेदभाव करके हमेशा तेरी बेइज्जती की है और उस घमंडी बहू को सर पे बिठाया है, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूँ। अब ये तेरा काम है अपनी देवरानी को उसकी सही जगह दिखाना और अपने संस्कार उसमें डालना। सीता अपनी सास को माफ कर देती है और दोनों सास बहू चाय नाश्ता लेकर बाहर आते हैं। गीता सहित सब लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह वाह, पालक के पकौड़े, मजा ही आ गया आज तो। और ये समोसे, ये मेरे मुंह और हाथों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सब मेरी बड़ी बहू सीता ने बनाया है। तभी खाने का ऑर्डर भी आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और सब समझ जाते हैं। जीती रहो सीता बेटी, हमेशा खुश रहो। गीता, सीखो अपनी जेठानी से कुछ। ऑनलाइन खाने में स्वाद मिलेगा, लेकिन वो प्यार नहीं मिलेगा तुम्हें जो घर के बनाए खाने में होता है। हम लोग तो यहाँ तुझसे मिलकर तेरे हाथ की चाय पीने आए थे, होटल का खाना खाने नहीं, समझी? सब लोग खा पी कर चले जाते हैं। अब तक गीता को भी समझ आ गया था कि उसके पापा उससे क्या कहना चाहते थे। वो हाथ जोड़कर अपनी जेठानी और सास से माफी मांगती है। अमीरी गरीबी का अंतर खत्म कर तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरिता और आनंद एक छोटे से परिवार में ऋतु और रानी नाम की दो बेटियां और राहुल नाम के एक बेटे के साथ खुशी से रहते थे। उनके पास थोड़ा सा जमीन था जिसमें वो सब्जी उगाकर उसे बेचते थे, और गाय का दूध बेचकर जो पैसा मिलता था उसमें ही दोनों खुशी से अपना घर अपना जीवन बिताते थे। ऐसे ही एक दिन आनंद बाजार से सब्जी बेचकर घर लौट रहा था, तभी उसे डोली में बैठी एक दुल्हन दिखती है जो बहुत ही रो रही थी। उसे देखकर आनंद का मन बहुत उदास हो जाता है। वो घर आकर भी उदास ही रहता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? सब्जी का दाम ठीक नहीं मिला है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, दाम तो ठीक ही मिला है, पर आज मैंने रास्ते में एक डोली जाते हुए देखा है। जाने किसकी बेटी विदा होकर ससुराल जा रही थी, और डोली में बैठी वो बेटी बहुत रो रही थी। ये तो जमाने की रीत है, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है जी। कल को हमारी बेटियां भी बड़ी होंगी, उन्हें भी तो विदा करना होगा, अपने ससुराल जाएंगी वो। आ सरिता, इसी बात से तो मन आज बहुत उदास हो गया। बेटियों पर कितना भी खर्चा कर लो, कितना ही लाड प्यार से पाल लो, फिर भी रहेंगी तो वो किसी पराया घर की अमानत ही ना। और बेटे को कैसे भी पालो, आखिर सहारा तो वही बनेगा। आज क्या हो गया है आपको, ये कैसे बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जी। सरिता, मैंने हमारे तीनों बच्चों के लिए कुछ सोचा है। ऋतु और रानी को हम गांव में ही पढ़ाएंगे, लेकिन राहुल को मैं शहर भेजना चाहता हूँ। उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि वो बड़ा होकर अच्छा नौकरी करे। आखिर हमारा सहारा तो वो ही बनेगा ना। रितु और रानी तो एक दिन विदा होकर अपने घर चली जाएगी। हाँ, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं। ये तो मैं भी चिंता कर रही थी कि मेरा बेटा शहर जाकर बड़ा अफसर बनेगा।
आनंद और सरिता की ये बातें बाहर खेल रहे तीनों बच्चे सुन लेते हैं और बिछड़ जाने के गम से तीनों उदास हो जाते हैं। तभी रानी राहुल से कहता है, भैया क्या तुम शहर चले जाओगे? फिर तुम रोज शहर से हमारे साथ खेलने कैसे आ पाओगे और रीतू दीदी के हाथ का खीर भी नहीं खा पाओगे। अरे रानी तू परेशान मत हो, पिताजी के बोलने से क्या होता है, मैं कभी शहर नहीं जाऊंगा, मुझे तुम दोनों के साथ ही खेलना है और मैं रीतू दीदी के हाथ की बनाई हुई खीर पूरी जिंदगी खाऊंगा। तू देखना मैं अपने इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। नहीं राहुल ऐसा नहीं कहते, पिताजी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना, तभी ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आनंद पैसों का इंतजाम कर लेता है, राहुल का एडमिशन शहर के एक अच्छे से स्कूल में कर देता है। अब राहुल शहर में और उनकी दोनों बहन गांव में रहने लगते हैं। राहुल को अपनी बहन और गांव की बहुत याद आती है, रितु और रानी को भी राहुल की याद आती है। एक दिन रानी सरिता और आनंद से कहती है, माँ कितने दिन हो गए राहुल भैया को देखे हुए, क्या वो अब कभी गांव नहीं आएंगे? भैया को शहर क्यों भेज दिया माँ? स्कूल के मास्टर जी भी पूछ रहे थे कि सिर्फ भैया को ही क्यों शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, रीतु दीदी और मुझे क्यों गांव के स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सरिता कुछ कह पाए इससे पहले ही पीछे बैठा हुआ आनंद रीतु पर गुस्सा होता है और कहता है, तू अभी इतना समझदार नहीं है कि तुझे यह बात समझ में आ जाएगा, चुपचाप खाना खा और जाकर देख के आ, गाय ने अपना भूसा खा लिया, पूरा खा लिया तो और डाल देना। पिताजी हमें अपनी भाई की याद आ रही है, उसकी चिंता हो रही है, इसीलिए रानी ने ऐसा कहा। आप गुस्सा मत होइए पिताजी, हम आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे राहुल को शहर और हॉस्टल का जिंदगी अच्छी लगने लगा था। अब त्योहारों के दिन में भी वो अपने गांव में नहीं आना चाहता था, पराए का बहाना करके वो हमेशा घर आने की बात टालते रहता था। और इधर रीतु और रानी दोनों गांव में ही पढ़ लिख रहे थे, अच्छे नंबर ला रहे थे और पिताजी का ढेर सारा सेवा भी कर रहे थे। एक दिन सुबह सुबह, रीतु रीतु जा गांव में दूध देकर आ जा, तेरे पिताजी आज नहीं जा पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ रीतु दीदी को रोज स्कूल जाने में देर हो जाती है, पहले इतने सारे काम करती है दीदी और अब ये काम भी करेगी तो स्कूल कब जाएगी? रानी तू चुप हो जा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी दूध देख कर आती हूँ, तुम पिताजी का ध्यान रखो। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं। रितु घर का काम करने के साथ साथ ही रोज गांव में दूध भी देने जाया करती थी। एक दिन आनंद सरिता से कहता है, इस बार जब मैं राहुल से मिला था तो वो बहुत ही कमजोर लग रहा था, मुझे लगता है उसकी तबीयत खराब है, उसे घर का पौष्टिक भोजन की जरूरत है। पिताजी आप कुछ दिनों के लिए भैया को गांव बुला लीजिए, हम सब उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आनंद को अपनी बड़ी बेटी रीतु की बात ठीक लगती है और वो दूसरे दिन ही राहुल को गांव लेकर चला आता है। राहुल आना तो नहीं चाहता था लेकिन पिताजी की जिद के आगे मजबूर होकर इस बार गांव आ जाता है। माँ देखो राहुल भैया आ गए हैं। रीतु दीदी जल्दी आओ, पिताजी राहुल भैया को शहर से वापस ले आए हैं। सरिता और रीतु रानी की आवाज सुनकर जल्दी से घर के बाहर आ जाते हैं और राहुल को गले लगाकर खूब प्यार करते हैं। सब लोग मिलकर राहुल को खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। राहुल के आ जाने से सब लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन राहुल वो मन ही मन उदास रहता है। कहानी के आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।